वेलकम बैक दोस्तों। तो गेम में आज एक और नया इवेंट आ चुका है, इमोट पार्टी। और इसमें तीन इमोट है भाई, रेयर वाले। वो कितने डायमंड में निकल जाएंगे, मतलब आपके पास कितने डायमंड होने चाहिए कि वो निकल जाएंगे, पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस तरीके से देखने को मिल सके। तो प्राइस पूल की बात कर लेते तो ये पांच इमोट तो आपको टॉप में देखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको नीचे वाले इमोट भी देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा वही है बाउंटी वाउंटी चीजें। लेकिन सबसे पहले मैं डायमंड क्लेम कर लेता हूँ, क्योंकि स्पिन मारने के लिए डायमंड चाहिए। 166 डायमंड है मेरे पास और 70 और लिए, तो 236 हो गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्पिन करते हैं, देखते हैं अपना लक में कुछ है या नहीं है। तो हम आ चुके हैं भाई, पहला स्पिन है। देखो नॉर्मल स्पिन 19 का दिया जा रहा है और सुपर स्पिन 99 का दिया जा रहा है। ठीक है, पहले वाले सुपर स्पिन में 50% ऑफ है। ठीक है भाई, 19 वाले में तो यही मिला, आप सीधे 99 वाला मारते हैं, देखते हैं भाई उसमें तो कुछ मिलना चाहिए ना भाई। भाई ये वाला इमोट है मेरे पास भाई, यार चाहिए फ्री वाले इमोट, पकड़ा दे रहे भाई। फिर एक 19 का करते हैं, और तो कुछ डायमंड है नहीं भाई, और मैं बताऊंगा एंड में कितने डायमंड लगने वाले हैं। ठीक है, और 19 का भाई ये वाला फ्री में मिल रहा था भाई, ये वाला इमोट जो ये गैदर द लाइट इवेंट है उसमें फ्री में मिल रहा है भाई, किस्मत देख रहे हो भाई। और 29 डायमंड भाई, मेरे डायमंड कलेक्ट नहीं हुए क्या यहाँ पर को आई थिंक। तो गाइस मैं बता दूं भाई, मान के चलो भाई 1000 डायमंड में ही आपका ऊपर में से कुछ निकलने वाला है रेयर मेरे हिसाब से, तो भाई जितने डायमंड लगाए हैं, क्योंकि इमोट निकल रहे हैं लेकिन उतने रेयर वाले नहीं निकल रहे हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।